आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी आज। 2024 के लोकसभा चुनाव पर ये चर्चा हो सकती है। लोकसभा चुनाव पर फोकस में जुटी है आम आदमी पार्टी। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर सभी की नजरें टिकी हुई है। मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी तैयारियों पर चर्चा होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। आपने अपनी नजरें अब 24 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर टिका दी है। गुजरात में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी ने करीब 13% वोट हासिल कर तीसरी बड़ी पार्टी बनने का तमगा भी हासिल किया था। 5 सीटें आम आदमी पार्टी को गुजरात में मिली थी। पार्टी ने गुजरात चुनाव के प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। पार्टी की नजरें मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर भी हैं और इसको लेकर आज मीटिंग की जाएगी। एक बैठक का आयोजन होगा और इस बैठक में रणनीति तय की जाएगी कि आखिर 2024 को लेकर क्या कुछ करना है। 2024 में जिन जगहों पर चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, दोनों पर ही फोकस है इस बार आम आदमी पार्टी का। नमित त्यागी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। नमित, देखिए आम आदमी पार्टी ने जिस दिन एमसीडी के, जिस दिन गुजरात के नतीजे सामने आए थे, उसी दिन बोर्ड लगा लिया था कि राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर अब आम आदमी पार्टी सामने आ गई है। उसी लिहाज से अब तैयारी भी वैसी ही करनी है। 2024 के लिए क्या रोडमैप बनाना शुरू कर दिया है आम आदमी पार्टी ने? देखिए बिल्कुल अंशिका, दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी को गुजरात में 13% वोट मिले, जिसके बाद आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। उसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी की नज़रें 2024 के लोकसभा चुनाव पर थी और अगले साल जो 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं वहाँ पर भी अब आम आदमी पार्टी ने तैयारियाँ शुरू कर दी। इसको लेकर हमने कुछ दिन पहले देखा था कि पार्टी ने राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक को बनाया और उसके बाद आज जो एक बड़ी बैठक रखी गई है राष्ट्रीय परिषद की, आम आदमी पार्टी की पहली बैठक। और देखिए ये कापासीड़ा बॉर्डर में कलिस्ता रिजोर्ट है, यहाँ पर एक बड़ी बैठक रखी गई है। इसमें आम आदमी पार्टी के पूरे देश के अंदर से जितने भी सांसद हैं, विधानसभा जो विधायक हैं, इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की बात करें या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, जो कि इस बैठक को 12 बजे संबोधित करेंगे, वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। तो बड़ी बैठक रखी गई है जिसमें तमाम आम आदमी पार्टी के छोटे से लेकर बड़े लीडर्स जो हैं वो इस बैठक में शिरकत करेंगे। इधर देखिए, अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा इधर दिखाइए, अलग अलग तरीके के अलग अलग राज्यों के स्टॉल्स बनाए गए हैं, यानी कि जिस राज्य से पार्टी के नेता यहां पर पहुंच रहे हैं वो पहले अपना जो कार्ड है वो बना रहे हैं, उसके बाद ही अंदर ये जो एक बड़ा हॉल है यहां पर बनाया गया है, इस हॉल के अंदर उनको एंट्री दी जाएगी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि गुजरात के अंदर 13% वोट मिलने के बाद आम आदमी पार्टी की पहली राष्ट्रीय परिषद की बैठक है। जाहिर तौर पर 9 राज्यों के अंदर जो विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाले हैं उस पर तो चर्चा होगी। इसके अलावा बीच बीच में जो राजनीतिक चर्चाओं में ये भी बात आती रही अंशिका कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल होगा, उस सवाल का जवाब भी इस बैठक के अंदर खोजा जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि लोकसभा 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बैठक बेहद अहम है और इसमें रणनीति भी तैयार की जाएगी। हालांकि इस बैठक में कौन कौन शामिल होगा, आम आदमी पार्टी के कौन से दिग्गज इसमें मौजूद रहेंगे, कितने बजे से इस बैठक की शुरुआत होगी और फिर कितनी लंबी बैठक के चलने की उम्मीद है, नमित? देखिए बिल्कुल, बैठक के अंदर जैसा मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि धीरे धीरे जो लीडर्स हैं उनका आना शुरू हो गया है। पंजाब से भी काफ़ी जो मिनिस्टर्स हैं वो देखिए सामने, पंजाब के काफ़ी मिनिस्टर यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके अलावा दिल्ली से तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं, गोपाल राय की बात करें, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की बात करें, ये तमाम जो मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। राघव चड्ढा या फिर हरभजन सिंह, जितने भी राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, वो यहाँ पर पहुँचेंगे। देखिए गाड़ियों में लगातार जो मिनिस्टर्स और पंजाब के लीडर्स का आना है वो लगातार यहाँ पर जारी हो। जैसे मैं बार बार जिक्र कर रहा था कि दिल्ली के तमाम विधायकों को भी इस बैठक में बुलाया गया है। इसके अलावा जो गुजरात से मौजूदा समय में 5 आम आदमी पार्टी के विधायक जीत कर आए हैं उनको भी इस बैठक में बुलाया गया है। और जितने भी राज्यसभा सांसद हैं, एनडी गुप्ता की बात करें, सुशील गुप्ता की बात करें, तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो इस बैठक में आना शुरू हो गए हैं। 12 बजे, जैसा मैं पहले बता रहा था आपको कि 12 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, वो इस बैठक को संबोधित करेंगे। जितने भी तमाम लीडर्स यहाँ पर पहुँच रहे हैं, देखिए ये जो गाड़ियाँ हैं इस फिलहाल यहाँ पर पंजाब के जितने भी मिनिस्टर
मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि 12 बजे का वक्त है। ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की स्पीच से पहले तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचने जरूरी हैं। इसको लेकर तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं वो भी लगाए गए हैं। पंजाब के तमाम जो बड़े लीडर्स हैं उनका आना यहाँ पर शुरू हो गया है। देखिए इधर से भी जो बड़े लीडर्स हैं पंजाब के वो आना शुरू हो गए, क्योंकि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है अंशिका, इसलिए मैक्सिमम लीडर्स यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और जैसा मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि जो नए संगठन कई राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी ने बनाए हैं, उस संगठन में कैसे विस्तार करना है, कैसे लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जो धार है वो देनी है, इसके अलावा 9 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है अगले साल वहाँ पर भी जो छोटे छोटे संगठन आम आदमी पार्टी ने बनाए हैं उनका कैसे विस्तार किया जाना है वो इस परिषद में चर्चा होगी। देखिए मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, और गुजरात में भी आम आदमी पार्टी ने 13% तक वोट हासिल किए हैं। तो निमित्त कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो बीजेपी जिस तरीके से 365 डेज चुनावी मूड में रहती है, तमाम जो मीटिंग्स आयोजित किए जाते हैं, अब आम आदमी पार्टी तीसरे के बजाय दूसरे नंबर पर आने की पूरी कोशिश में है। देखिए बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि हमने देखा कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को खत्म किया, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को खत्म किया, और जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का कोई विकल्प बन सकता है तो वो आम आदमी पार्टी ही है। ऐसे में जाहिर तौर पर जिन राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं वहाँ पर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश आम आदमी पार्टी करेगी, और जिसका फायदा जो है वो आम आदमी पार्टी को कई राज्यों के अंदर मिला भी है। तो ऐसे में सवाल यहाँ पर दो तीन है अंशिका। पहला ये कि आम आदमी पार्टी ने जिन राज्यों के अंदर सरकार बनाई है, चाहे पंजाब की बात करें या फिर दिल्ली की बात करें, वहां पर लोकसभा चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी कैसा प्रदर्शन करेगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों के मुद्दे टोटली डिफरेंट होते हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी को जो सपोर्ट पंजाब के अंदर विधानसभा चुनाव में मिला क्या वो लोकसभा चुनाव में भी मिलेगा, सबसे बड़ा सवाल यह है। दूसरा यह कि जिन छोटे छोटे राज्यों के अंदर भी अगले साल चुनाव होने, हालांकि मध्य प्रदेश तो काफी बड़ा राज्य है वहां पर चुनाव होगा, तो वहां पर निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, उस प्रदर्शन को क्या विधानसभा के अंदर भी बरकरार आम आदमी पार्टी रख पाएगी, ये बड़ा सवाल है। और कुछ ही मिनटों के बाद यहाँ पर जो पंजाब के सीएम हैं वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। इसके अलावा जैसा मैं पहले कह रहा था कि राज्यसभा जो सांसद हैं, संजय सिंह की बात करें, राघव चड्ढा की बात करें, संदीप पाठक की बात करें, ये तमाम बड़ी लंबी फहरिस्त आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर्स की है, उनका यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। बने रहिए नमित वहां पर आप, और कुछ भी जानकारी होगी हम आपके पास आएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।